जी हाँ दोस्तों, मैं कैलाश राय का और मेरे राय का टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको काइन मास्टर के बारे में बताऊंगा। काइन मास्टर में अधिकतर प्रॉब्लम चलती है वीडियो लेयर की और क्रोमा की। तो वीडियो लेयर और क्रोमा की समस्या हर एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है। जो पहले से ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किए उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो नए इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपको प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगी। प्ले स्टोर पर तो प्रो वर्जन मिल रहा है नेक्स्ट स्ट्रीम का, उनमें तो ये समस्या समाधान नहीं होगी। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये समस्या अधिकतर रहती है, क्यों कि ये समस्या अधिकतर एंड्रॉयड मोबाइल में चलती है। तो आज मैं इस समस्या का समाधान आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया और आपका काम नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा। आप आसानी से इमेज की जिस देर इमेज स्टिकर टेक्स्ट हैंडलर इमेज है ना, उस जगह आप वीडियो लेयर का ऑप्शन आसानी से ला सकते हो। तो देखिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा, एकदम आसानी से, कोई परेशानी नहीं आपको। देखिए दोस्तों, अब हमें इसके लिए एक एमओडी मोड फाइल आपको हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वो काइन मास्टर की एमओडी फाइल इंस्टॉल करते वक्त हमारा मोबाइल का डाटा बंद रहना चाहिए। अगर डाटा ऑन है तो वो फाइल नहीं होगी, हमें डाटा ऑफ रखना पड़ेगा। और एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम काइन मास्टर में वीडियो एडिट करते वक्त हमें डाटा मोबाइल का ऑफ ही रखना पड़ेगा। अगर काइन मास्टर खोल लिया और मोबाइल डाटा ऑन कर लिया तो वो वीडियो लेयर हट जाएगा, क्योंकि वो एमओडी फाइल है, भी डाटा ऑन होते वक्त तुरंत ही वो फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जब भी काइन मास्टर पर ओके करते हो तो इनसे पहले ये देख ले कि हमारा डाटा बंद, डाटा और वाईफाई दोनों बंद होना चाहिए। अगर वाईफाई है या डाटा जो कुछ भी है आपको बंद होना चाहिए, ठीक है ना, मोबाइल में इंटरनेट चालू नहीं होना चाहिए। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ एक बार वो एमओडी फाइल वापस इंस्टॉल करके। देखिए तो दोस्तों, मैं वापस से काइन मास्टर ओके कर रहा हूँ। देखिए आते हैं काइन मास्टर पर, इम्पटी प्रोजेक्ट पर आते हैं, मीडिया लेयर पर कोई भी एक बैकग्राउंड चुन लेते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड चुन लिया हमने। फिर लेयर पर आते हैं, देखिए वीडियो लेयर, और आपको मैं वीडियो भी एड करके बता देता हूँ। देखिए देख लीजिए ये वीडियो लेयर, देख लीजिए। तो आप आसानी से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, लेकिन हमारा डाटा बंद रखना पड़ेगा हमें, और ये समस्या आसानी से सोल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इनके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इनके लिंक मैं हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन में अगर प्रॉब्लम होगी, इस लिंक से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, आपके डिवाइस में सेट नहीं हो रहा है, तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तुरंत ही। और मुझे व्हाट्सअप करके इतना बस ज़्यादा कहने जरूरत नहीं, आप कह दीजिए काइन मास्टर सेंड, तो मैं काइन मास्टर की वो लिंक आपके व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा और आप तुरंत व्हाट्सअप से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मैं वो काइन मास्टर का ऐप है डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा। ओके तो आप मुझे, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आप लिंक से आसानी से इंस्टॉल हो तो आप आसानी से इंस्टॉल कर लेना, अगर लिंक से कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको तुरंत ही व्हाट्सअप कर दूंगा। ऐसा नहीं आप व्हाट्सअप भेज दिए, मैंने कुछ दिन ध्यान नहीं दिया, मैं आपको देखते व्हाट्सअप देखते मैं आपको तुरंत वो ऐप सेंड कर दूंगा, आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यूट्यूब, नए यूट्यूबर के लिए काइन मास्टर बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आसानी से आप वीडियो को किसी भी फॉर्मेट आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर।